सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड या फिर अपडेट नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है यूट्यूब की एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन ना ही हमारे सामने अपडेट हो रही है और ना ही कोई अनदर एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली इस एप्लीकेशन को कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद यहाँ से आपको मोबाइल की सेटिंग में आना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऐप्स का। तो ये सभी के फ़ोन में अलग नाम से होता है, कई लोगों के फ़ोन में ऐप्स के नाम से होता है और कई लोगों के फ़ोन में मैनेजमेंट में के नाम से होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है गूगल, सॉरी हम गूगल लिख लेते हैं। फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है प्ले और आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं, पहली एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसे आप पहली एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मैनेज स्पेस में आएंगे और यहाँ से आप इसका पूरा क्लियर ऑल डाटा कर देंगे। ठीक है, क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपको बैक करना है और उसके बाद आपको डाटा यूज में आना है। और डाटा यूज में आने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल का डाटा है ऑन है या फिर नहीं। अगर आप इसे वाईफाई से करना चाह रहे हैं तो आपका वाईफाई डाटा भी ऑन होना चाहिए। और इसको ऑन करने के बाद आपको बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और इसका क्लियर कैसे कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लियर कैसे करते हैं, फिर आपको डाटा यूज में आना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन का डाटा ऑन है या फिर नहीं। अगर नहीं ऑन है तो आप इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर आप इसे अपडेट करके देखेंगे तो आपके एप्लीकेशन कुछ समय में अपडेट हो जाएगी। देखिए, हमारी एप्लीकेशन अपडेट होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन फिर भी अपडेट नहीं होती है तो आपको करना क्या है, फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद आपको किसी का वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आपको एक बार सिम को निकाल के दोबारा दूसरे शॉट में डालिए। दूसरे शॉट में डालने के बाद आप चेक कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो रही है और 100% होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूजर नेम मेरा आजाद कुशवाहा 524 है। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद आप मैसेज कीजिए तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा, अगर आपको फिर भी अपडेट नहीं होती है तो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।